गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 तक बता दिया था, 5 आप लोग खुद से करने के लिए बोला गया था। आज 6 पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन। देयर आर 36, 48 एंड 60 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच सेक्शन हु हैव टू स्टैंड इन एन असेंबली। किसी असेंबली में आप देखो, ये एक एक सेक्शन में इतने बच्चे हैं। इक्वल नंबर टू स्टूडेंट्स हैव टू अरेंज्ड इन ईच रो। इक्वल नंबर स्टूडेंट को एक एक रो में अरेंज करने के लिए बोला जाए, तो इसके लिए फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेट कैन बी अरेंज्ड इन अ सिंगल रो। तो आप बताओ कि एक सिंगल रो में कितने स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स जा पाएंगे, क्योंकि ये तीनों सेक्शंस में बच्चे डिफरेंट, मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो अलग अलग है, तो एक रो में कितना सेम जाएगा, तीनों रो में एक जैसा ही जाएगा। तो आप बताओ कि फर्स्ट रो में कितना जाएगा, ठीक है, हर एक रो में कितने कितने स्टूडेंट्स असेंबली में खड़े होंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36, 48 एंड 60 स्टूडेंट्स। यहाँ पे एचसीएफ हम लोग फाइंड करेंगे, एलसीएम नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बोला जा रहा है। जहां पे लीस्ट, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट रहे वहां आपको एलसीएम फाइंड करना है। जहां मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट रहे वहां आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ हम एचसीएफ फाइंड करेंगे 36, 48 और 60 का। 36 और 48 का पहले हम लोग करेंगे, तो यहाँ वन टाइम में, फिर 12 आपका रिमाइंडर, फिर 12 को 3 बार में 36, फिर एक नंबर आपका और बच गया था 60, फिर 12 को हमने 60 से किया, तो ये आपका 5 टा में पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। तो इस तरह से आपका एचसीएफ क्या आ गया, 12। तो 12 स्टूडेंट्स ईच रो में हम लोग कितने स्टूडेंट्स को करेंगे, 12। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 15, 18 एंड 24 मिनट्स। 3 बेल है वो 15, 18 और 24 मिनट के इंटरवल में ये रिंग होती है। दे रैंग टूगेदर एट 7:30 AM और ये तीनों बेल 7:30 AM को 7:30 बजे सुबह एक साथ रिंग होती है। तो एट वॉट टाइम विल दे रिंग टूगेदर नेक्स्ट। फिर वो कौन सा समय होगा जिससे वो फिर से तीनों एक साथ रिंग होंगे, ये आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है। इसका सोल्यूशन देखेंगे हम। फर्स्टली वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 24 मिनट्स। पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हमने निकाला 15, 18 और 24 का, तो 3 बार में इसको 5 टाइम में, इसको 6 और इसको 8, फिर 2 से हमने किया, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही नंबर लेंगे, एटलीस्ट दो नंबर को वो डिविजिबल कर पाए। तो यहाँ 3 लेंगे तो ये 6 ओनली डिविजिबल होगा, इसलिए हमने 2 लिया। तो 2 से ये 3 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में, 5 तो होगा नहीं, इसलिए 5 को हमने उसी तरह यहाँ पे नीचे लिख दिया। और इसका एलसीएम क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2, फिर 5, फिर 3, फिर 4, ये वही वाला नंबर है। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया आपका 360 मिनट्स, क्योंकि ये भी मिनट्स में ही था, तो एलसीएम भी इसका मिनट्स में ही आएगा। अब देखो आगे, वी नो डैट, आप क्या जानते हो, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, तो यहाँ पे कितने मिनट्स दिए गए हैं, 360, तो 360 में कितने घंटे, 360 मिनट में, तो इसको हमने डिवाइड किया तो आपका 6 आवर आ गया। 6 से 36 ये 6 टाइम में आपका डिविजिबल हो गया, इसलिए ये 6 आवर आ गया। बेल रैंग टूगेदर एट 7:30 AM, ये आपको क्वेश्चन में ही बोला गया था, 7:30 बजे सुबह बजती है एक साथ। दे रैंक टूगेदर एट 7:30 AM प्लस 6 आवर्स, ये 6-6 घंटे को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। अब आप लोग खुद से जोड़ करके देखो, 7:30 से 7:30 के बाद 6 घंटे के बाद वो कितना बज रहा होगा, तो वो कितना बजेगा, 1:30 बजे का दोपहर, मतलब 1:30 बजे दोपहर में 1:30 PM में ये तीनों बेल फिर से एक साथ रिंग होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हम आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। What is the maximum capacity of a bucket that can be used to fill two small tanks have capacity of 72 liters and 84 liters respectively? यहाँ भी आपको maximum capacity bucket पूछा जा रहा है और दो buckets का आपको capacity बता दिया है, 72 liter और 84। Maximum means हम लोग क्या find करेंगे, SCF। चलो हम देखते हैं इसका solution।
टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बकेट वी फाइंड द एससीएफ ऑफ 72 लीटर एंड 84 लीटर. फिर एससीएफ दोनों हमने निकाला 72 84 का. 72 से इसको डिवाइड किया तो वन टाइम है 72, फिर इसका रिमाइंडर 12, फिर ये 72 आपका यहाँ पे आया, फिर 6 टाइम में ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया. तो एससीएफ क्या आ गया? 12. मैक्सिमम नंबर आपका भी यही 12 लीटर ही आंसर आएगा. ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का ई और 2 का एफ में क्लास 5 की सरिता को शायद थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आप लोगों को भी प्रॉब्लम है तो आप लोग भी एक बार इसको देख लेना. ओके, पहले 2 का ई हम देखेंगे. यहाँ आपको एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, 675 और 825. 2 का ई आपका सॉल्यूशन है 675 एंड 825. ये आपको एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से. तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आप फिर से देख लो. 675 को हम लोग 3 से क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम लोग 2 लेंगे तो ये इवन नंबर में नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हमने 3 से लिया. 3 से देखो आप, 675 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 225 टाइम में पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा. तो 225 यहाँ हमने लिख दिया. उसी तरह 825, इसको भी 3 से डिविजिबल करेंगे तो 275 टाइम में ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा. ये यहीं पे लिखा हुआ है. फिर 3 से ये दोनों डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हमने 5 से किया. 5 से ये कितने टाइम में हुआ आपका? 45 बार में. फिर 5 से ये 55 टाइम में. अगेन हम 5 से इसको लगाएंगे, ये 9 बार में 45, फिर 11 5 से 55. इस तरह से एलसीएम क्या आ गया? 3 × 5 × 5 × 9 × 11 है आपका ये सब नंबर. इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 7425. ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का एफ में. ओके सरिता, आप लोग आप समझ गए होंगे इसको. ये 2 का एफ का आपका क्वेश्चन है 154 और 196. इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम. ये 2 का एफ 154 और 196, इसको हम पहले 2 से करेंगे क्योंकि दोनों इवन नंबर में है. ये 77 टाइम में और ये 98 टाइम में डिविजिबल करोगे आप तो यही आएगा 2 से. फिर आप करना 3 से, 4, 5, 6, इन सब टेबल से ये डिविजिबल नहीं होगा. 77 या 98 एक होगा तो दूसरा नहीं, दूसरा होगा तो ये नहीं, इसलिए हम 7 को करेंगे. 7 से ये दोनों डिविजिबल हो जाएगा, एक 11 टाइम में और दूसरा 14 टाइम में. इसलिए आपका एलसीएम क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 14. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2156, यही आपका आंसर होगा. ओके, यहाँ हमने क्यों लिया 7 से? क्योंकि बीच में इसके बीच में जो भी टेबल है 2 और 7 के बीच में जितने भी नंबर हैं उसमें से किसी एक में अगर वो डिवाइड हो तो दूसरा नहीं. और एलसीएम का रूल है आपका एटलीस्ट 2 नंबर्स आपको डिविजिबल होने चाहिए जो भी नंबर हम यहाँ पे लेंगे. ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग 3.3 और 3.4 कंप्लीट कर लोगे.